प्रणाम, नमस्कार, जय जिनेन्द्र। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्मै नमो नमः। भारतीय संस्कृति एक भारत ही ऐसा उत्सव प्रधान देश है कि जैसे कि गणेश जी आए, गणेश का उत्सव किया, 15 दिन हमने रेस्ट किया है, पूर्वजों का जो पितृपक्ष का बोलते हैं। 15 दिन के रेस्ट के बाद अगेन आपको एनर्जी गेन करना है, शक्ति की पूजा करनी है, शक्ति की आराधना करनी है, तो आते हैं नवरात्रि। नवरात्रि का जो त्यौहार है जो हर साल अश्विन महीने में आता है, जो लगभग अक्टूबर महीने में नवरात्रि आ रही है, ये 9 दिन का पर्व होता है। इसमें हम लोग शक्ति की उपासना करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि ये जो नवरात्रि है, वैसे तो 3 नवरात्रि साल में आती है, एक अषाढ़ी नवरात्रि आती है जिसको गुप्त नवरात्रि बोलते हैं, एक चैत्री नवरात्रि आती है और एक अश्विन नवरात्रि आती है। गुप्त नवरात्रि जो आती है उसमें साधक लोग सिर्फ साधना करते हैं, उपासना करते हैं, और ये जो चैत्री नवरात्रि है इसमें देवी की पूजा अर्चना होती है और इसमें शुभ कार्य भी होते हैं। और जो अश्विन नवरात्रि है उत्सव की नवरात्रि है, इसमें हर एक प्रांत में अपने अपने कल्चर के हिसाब से लोग चलते हैं। गुजरात में कोई गरबा खेलता है, कोई डांडिया रास खेलता है, 9 जागरण करते हैं, 9 रात्रि, नवरात्रि का समूह को बोलते हैं नवरात्रि। ज्योतिष के हिसाब से नवरात्रि में शुक्र ग्रह उच्च का होता है। जब शुक्र उच्च का होता है तो सारे शुभ कार्य इसमें होते हैं। हर एक देवियों के मंदिर में रोशनाई होती है जो शुक्र का प्रतीक है, और चारों ओर चकाचांद होती है, और देवी का जो तेजो वलय है इस 9 दिन में चरम सीमा पर होता है। अब ये नवरात्रि में 2 टाइप से लोग नवरात्रि मनाते हैं, या तो 9 के 9 दिन निरंकार उपास करते हैं और सिर्फ देवी की साधना करते हैं कोई मंत्र सिद्धि प्राप्ति करने के लिए, और दूसरे जो संसारी लोग रहते हैं जो अपने घर में अपनी कुल देवी है, कोई भी देवी जिसमें आपकी श्रद्धा हो उनकी स्थापना करते हैं। जैसे गणेश जी की 11 दिन स्थापना करते हैं, बुद्धि के देवता हैं, वैसे शक्ति की देवी जो कुल देवी है, कोई भी देवी है, उनकी 9 दिन साधना करते हैं। उसमें सेम ही लॉजिक गिरता है कि सब ग्रहों की उपासना इस दौरान होती है, और इस नवरात्रि में 9 दिन जो कोई भी व्यक्ति अपने देवी की आराधना करता है, इष्ट देवी बोलो या कुल देवी, तो निश्चित रूप से उनकी कुल देवी उनके कुल को वृद्धि करने में सहायक होती है। बहुत से लोग उपास नहीं कर पाते हैं तो फलाहार भी करते हैं, कोई नींबू पानी पे भी उपास करता है। इसके पीछे का लॉजिक है कि अपनी जो बॉडी है, अपने बॉडी में जो 7 चक्रा है, उपास, फलाहार या नींबू पानी करने से आपके 7 चक्रा एक्टिवेट होते हैं, यानी देवी की जो शक्ति है, शुक्र जो उच्च का है और ग्रह का जो बल है वो आपको 9 दिन में उसे मिलता है। क्योंकि इस दिनों में जब हम लोग गर्भिष्ठ आहार जो बोलते हैं मिष्ठान है, हैवी फूड यूज़ करते तो हमारे में सुस्ती सी आ जाती है, तो ऋतु चक्र भी यही कहता है कि महीने में एक बार तो भी इंसान को निरंकार रहना चाहिए या फलों पर रहना चाहिए, ताकि उनकी जो पाचन संस्था है, उनके जो 7 चक्र हैं और 5 तत्व जो हमारा शरीर बना हुआ है वो बैलेंसिंग होता है। यानी देवों ने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा है, देवी देवता जो भी है उन्होंने इंसानों के बारे में जरूर सोचा है कि कुछ नियम बनाए कि इस उत्सव में या तो उपास करो या फलाहार करो, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से अच्छी नवनिर्मित होती है। इस जो नवरात्रि का पीरियड है, नवरात्रि में 9 दिन जब आप लोग घट बिठाते हैं, कोई देवी की स्थापना करते हैं, तो इसके पीछे का भी लॉजिक है कि परिवार या सोसाइटी या कोई पर्टिकुलर
जो हम बोलते हैं कि कोई एक जाति है जो उनकी एकता का प्रतीक है, यानी जब पूरा भारतवर्ष नवरात्रि मनाता है तो एकता का संदेश देता है। घर में तो हर कोई रोज़ पूजा अर्चना करता है, पर ये जो उत्सव पर्व जो हमारे भारतीय संस्कृति में दिए हुए हैं, लोगों को इकट्ठा करना है ताकि आपस में प्रेम भाव बना रहे। जब सब लोग साथ में बैठ के देवी की आरती करते हैं सुबह शाम, तो मंगल ग्रह मजबूत होता है, लोगों में जो एकता की भावना है जो प्रबल होती है, ये नवरात्रि का रहस्य है। वैसे तो नवरात्रि के बारे में बताने जाए तो वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाता है, तो शॉर्ट में बोलते हैं कि शक्ति की भक्ति की उपासना यानी नवरात्रि। नौ का आंकड़ा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी मंगल का प्रतीक है, तो शक्ति चाहिए तो अपने को मंगल ग्रह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल सूरता का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। तो हम देवी के रूप में जब उसकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, आरती करते हैं, उपास करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके सब ग्रहों में जो मंगल ग्रह शौर्य का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, वो जागृत होता है। और जो नवरात्रि में हमने जो 9 दिन जो उपास किए हुए, इसका फल जरूर आपको पूरे साल भर मिलता है। यानी जो एनर्जी, विश्व की जो एनर्जी है इस 9 दिनों में काफ़ी सारी हाई लेवल पर रहती है। तो हम अपने कुल देवी के थ्रू, अपने कुल देवी के द्वारा या कोई भी देवी की उपासना करेंगे तो आपका साल भर की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा लेवल है, वो सहाय करता है। नवरात्रि में बहुत से प्रांतों में आजकल गरबा खेलते हैं, कई जगह पे अलग भी नाम होते हैं। जब एक गरबा खेलते हैं तो वो तालियों के साथ खेलते हैं, जो ताली के साथ जब लोग गरबा खेलते हैं और उनकी जो बॉडी मूवमेंट है वो पर्टिकुलर लय में चलती है, तो काफ़ी सारे चेंजेस बॉडी में देखने को मिलते हैं। तालियों के साथ जब गरबा खेलते हैं तो आपके बॉडी के जो 5 तत्व है वो पूरे एक्टिवेट होते हैं और साल भर की ऊर्जा आपको 9 दिन में मिल जाती है। इसलिए इस पर्व को, इस नवरात्रि के पर्व को शक्ति भक्ति का पर्व कहा है। आशा करता हूँ इस नवरात्रि में भी आप माँ जगदम्बा की आराधना करके, अपने कुल देवी की आराधना करके पूरे साल भर उनके आशीर्वाद प्राप्त करें। यही शुभकामना। प्रणाम। जय जिनेंद्र।